स्पोर्ट के 21 स्पेशल प्रोग्राम से आपका मेजबान रफीक अंसारी खातिर आज हम TMC ग्राउंड पर मौजूद हैं और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने दावत दी हैदराबाद की क्रिकेट टीम को और फतुर रहमान और यूनाइटेड स्पोर्ट एकेडमी के दरमियान की सख्त मैच भी खेला जा रहा है और आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी भी की और वो है पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता चलूँ कि ये वो क्रिकेटर हैं हैदराबाद से जिनका नियाज़ी स्टेडियम से भी इनका ताल्लुक है और यह पता चलूँ कि इन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली सीरीज में भी इनका नाम आया था, वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 रोज़ा मैच के लिए भी इनकी नुमाइंदगी थी और वर्ल्ड 11 में भी इनका नाम था जिसके कप्तान माजिद खान यानी जिन्हें कहते हैं माइटी खान। आज हमारी हफीज़ुर रहमान साहब से बड़ी ज़बरदस्त डिस्कस होगी और इनकी तारीख जिन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया और इससे बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा होने वाली क्रिकेट टीम में भी शामिल है। हफीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हफीज़ भाई ये बताइए कि आपका नाम श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और वर्ल्ड 11 जिसको माजिद खान माइटी खान के नाम से पुकारे जाते थे उस टीम में आप शामिल रहे, तो ये बताइए कि हैदराबाद का नियाज़ी स्टेडियम है जो तारीख की ग्राउंड है जहाँ जलालुद्दीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक की थी और उस टीम के हवाले से और बारे में हैदराबाद की क्रिकेट और सिंध की क्रिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि हमारे सिंध की क्रिकेट और क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, बड़ा टैलेंट है हमारे सिंध के अंदर और आप ये देखेंगे पाकिस्तान से जो अभी क्रिकेटर खेले हैं, नुमान अली, शर्जील खान, फैसल अतर, रिजवान, अजीम गुम्मन और एहसन मोहम्मद हुसैन और जाहिद महमूद जो है दादू के हैं, हमारे सिंध में बहुत टैलेंट है तो उसको हम ग्रूम भी करते हैं। मैं 77 में मैंने अपना डेब्यू किया फर्स्ट क्लास का और 87 तक मैं क्रिकेट खेलता रहा और मेरा सबसे पहले मेरा श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ नाम आया था 76 में और उसके बाद 77 में इंग्लैंड गवर्नर्स 11 का मैच था हमारा कराची जिमखाना में, असलम सिजरानी उसके कप्तान थे, उसमें भी नाम था, उसमें भी मुझे नहीं खिलाया गया। उसके बाद फिर मेरा टैलेंट हैंड लगा था कैंप पाकिस्तान का, बहुत बड़ा कैंप था जिससे पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी पैदा हुए हैं, वो कम से कम 6 महीने का कैंप था, मेरे ख्याल से बड़ा कैंप कोई भी नहीं लगा। उसमें बलूचिस्तान और सिंध की कराची में प्रैक्टिस होती थी और पंजाब और सरहद की कजाफी स्टेडियम में होती थी, उसमें भी मैं खेला और उसके बाद मेरा 3-day मैच में सक्कर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नाम आया तो मुझे 12वां खिलाड़ी रखा गया, वहाँ भी मुझे नहीं खिलाया गया और मैं उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, उसका मुझे दुख ही बड़ा हुआ। उसके कैप्टन मेरे वसीम हसन राजा थे, मुदस्सिर नज़र थे, मोहसिन खान थे, जलालुद्दीन थे, सलीम यूसुफ थे और वेस्ट इंडीज़ की बहुत ज़बरदस्त टीम थी जिससे हमारा मैच था। मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ की टीम आज तक ऐसी टीम नहीं बनी जो वो थी। उसके बाद फिर मैं अपने वर्ल्ड 11 में मेरा नाम आया हैदराबाद के अंदर, उसमें माजिद खान कप्तान थे हमारे और उससे पहले उसके 86 में श्रीलंका खिलाफ वनडे में नाम था। मैं ये खुशकस्मती है मेरी कि मैं हैदराबाद में सिंध का पहला खिलाड़ी था जो मैं पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया, उसे मेरे से पहले कोई भी नहीं खेला था और ना पाकिस्तान की टीम में नाम आता था। हफीज़ भाई माशाल्लाह आप तो हैदराबाद के नामवर खिलाड़ी शर्जील खान जिसे एक चोक और चको का खिलाड़ी कहा जाता है, अजीम गुम्मन है कि जो कि फर्स्ट क्लास से बेहतरीन स्कोर कर रहा है, इसी तरह दीगर खिलाड़ी आप सिंध के भी सामने आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मसला ये कि मेरी 87 से मेरी जॉब हो गई थी इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और मुझे नियाज़ी स्टेडियम का इंचार्ज बनाया गया था, तो मैंने 87 में अपनी क्रिकेट ख़त्म कर दी थी मैं, इसलिए कि आगे कोई चांस नहीं था, तो मैंने फिर अपने क्लब की मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की और जाके फिर 92-93 में मैंने फजरुमान स्पोर्ट्स की बुनियाद डाली और ये शर्जील खान, अजीम गुम्मन, फैसल अतर, रिजवान, अभी नुमान अली खेला है, साद खान खेला है, जो भी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी खेले हैं वो सारे मेरे अपने क्लब के प्लेयर हैं और ये बे इंतहा मेहनत करते थे नियाज़ी स्टेडियम में, इनको इजाज़त थी फुल कैंप अटेंड करते थे और सबसे पहले फैसल अतर खेला है पाकिस्तान वनडे, फिर उसके बाद रिजवान अहमद खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर शर्जील खान खेला है, वो तो आप देखते हैं माशाल्लाह बहुत स्टार खिलाड़ी है दुनिया में, उसने नाम किया, अभी रिसेंटली नुमान अली खेला है, हमारा साद खान बहुत अच्छा है, आपका अजीम गुम्मन वर्ल्ड कप का कप्तान था अंडर 19 का और इसी तरह दीगर हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, नईम रहमान था, सुफियान था, फरहान अयूब थे, शुएब लगारी था, हमारे क्लब्स के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट प्लेयर हैं वो हमारे अपने फजलुमान स्पोर्ट्स के होते थे और ज़ाहिर बात है हमें नेट की सहूलत थी, अभी दोबारा फिर मैंने
कोई 4-5 महीने से दोबारा कैंप स्टार्ट किया है, तो सीनियर लड़के भी वापस। अच्छा अभी मैं ये बताइए कि नियादी स्टेडियम जो एक तारीखी स्टेडियम है जहाँ पहली हैट्रिक हुई, आज वो स्टेडियम बिल्कुल लावारिस है, टूट फूट का शिकार है, स्टेडियम में कोई मैचेज नहीं है, जबकि पीसीबी का ग्राउंड है और वहाँ एक इंटरनेशनल मैचेज भी हो चुके हैं, तो क्या वजह कि उसको लावारिस छोड़ दिया गया है? आप ये देखेंगे नियादी स्टेडियम की बहुत बड़ी तारीख है, इसलिए कि यहाँ पाकिस्तान कभी भी मैच नहीं आ रहा है लाइफ के अंदर ना, और यहाँ हैट्रिक भी हुई है और जावेद मियादाद और मुदस्सिर नजर की पार्टनरशिप भी है, और पाकिस्तान कभी इस ग्राउंड में मैच नहीं हारा है, और ये तारीख एक ग्राउंड है पूरे सिंध के अंदर। इसको क्या हुआ कि अभी 2008 के अंदर हमारे थे ज़िले नाजिम कंवर नवेद जमील साहब, तो पीसीपी ने उनसे बात की, उन्होंने अच्छाई के लिए ग्राउंड दिया था कि पीसीपी ने हमें बड़े सुनहरे बाग दिखाए कि हम इस ग्राउंड में फ्लड लाइट लगा देंगे, हम इसमें टावर्स दे देंगे, एकेडमी लगाएंगे, डिजिटल स्कोर बोर्ड होगा, 50,000 की कैपेसिटी होगी। और 2008 में हमने जिम्बाब्वे का मैच कराया था, वो मैच कराया तो इसका मतलब ग्राउंड हमारा बहुत अच्छा था। उस मैच के बाद उन्होंने को ये ग्राउंड हैंड ओवर किया, 11 साल में पीसीबी ने इस पर कोई रुपया खर्च नहीं किया, और तबाह हाल करके ग्राउंड फिर वापस हमारे म्युनिसिपल कमेटी को, हमारे चेयरमैन है काशिफ शोरो साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम ग्राउंड वापस ले लें और फिर इसको दोबारा हम तामीर करें। अब हम इंशाल्लाह तामीर के मराइल में हम चाह रहे हैं कि उसको ग्राउंड को हमारा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और जाम खान शोरो साहब, हमारा जो भी म्युनिसिपल कमेटी है वो बहुत इस पर पैसे भी खर्च कर रही है, बड़ा अभी खूबसूरत ग्राउंड हो गया है, पर स्ट्रक्चर उसका जो है नहायत ही ख़राब है। अभी 2 साल पहले हमारे वज़ीर आला साहब, जो कि खुद माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, मैचेस में नज़र आते हैं कराची में खेलते हुए, उन्होंने ऐलानात किए थे कि हम जो है हैदराबाद में 2 मैच कराएंगे पीएसएल के, और उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, नजमुद्दीन साहब चीफ इंजीनियर साहब आए और कसम से 25-30 अपने कारकुनों को साथ लेकर आए, उन्होंने पूरे स्टेडियम की लेआउट निकाली, मुझे कहा कि हफिज भाई आपका ग्राउंड हम दुबई के लेवल का बना के देंगे और इसको आप देखेंगे कि शानदार ग्राउंड होगा। उन्होंने पीसी बना के दी वज़ीर आला साहब को, तो नजम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यार वो दे दी थी पर वज़ीर आला साहब ने उसको उसमें बजट में नहीं रखा, तो इसलिए फिर वो तामीर नहीं हो सकी। अच्छा हाफिज भाई ये बताइएगा कि हैदराबाद की तारीफ तो बड़ी है, अब ये बताएं कि आज आपकी टीम फजलुर्रहमान जो कि क्रिकेट एकेडमी हैदराबाद, वो कराची आई है यूनाइटेड स्पोर्ट्स से मैच खेल रहा है, यहाँ बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं खूबसूरत स्टेडियम को देख कर, तो आप क्या कहेंगे कि नुसरतुल्ला ने ये मेला सजाया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नुसरत भाई बहुत अच्छे इंसान है और बड़े पुराने क्रिकेटर हैं, इनकम टैक्स से खेलते रहे हमारे साथी पुराने, और हमने भी हैदराबाद नुसरत भाई को बुलाया था और बड़ा अच्छा मैच कराया था, और ये मैं ग्राउंड देखे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि टीएमसी ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है, पता चला है कि जमील साहब और दूसरे लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं, खूबसूरत ग्राउंड है, खूबसूरत विकेट है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और नुसरत भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सुबह नाश्ता भी कराया, दोपहर का खाना भी खिलाया, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की है, और हमारे प्लेयर्स और देखें ना कराची का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, अगर हमारे में हम अपने प्लेयरों को इसलिए खिलाते हैं कि कराची के साथ खेल के बड़े भाई हैं हमारे कराची वाले, तो हम मैच इसलिए कराते हैं कि हमारे लड़के कुछ यहाँ से सीख कर जाएँ। नुसरत भाई की टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, हमारे तो अभी 3 महीने हुए हमारी क्लब को दोबारा नेट शुरू करने में, 3 महीने में हमारे क्लब ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, उसमें भी नुमान अली खेल गया है अंडर 16, और इंशाल्लाह ताला और भी अच्छे खेलेंगे, तो हमारे जो है नुसरत भाई बहुत अच्छे इंसान है और हमें बुलाते भी रहते हैं, मेरे प्लेयर्स को भी अपने हैदराबाद से बुला के नुमान को अवेश को काफ़ी लड़कों को अपने क्लब से खिलाते हैं। अच्छा आफिस भाई ये बताइए कि हैदराबाद एक बड़ा तारीखी शहर भी है और वहाँ यकीनी तौर पर क्रिकेट की रौनकें भी बहाल हो रही हैं, मुख्तलिफ खेलों की, COVID-19 है ना, तो COVID-19 के हवाले से हैदराबाद में क्या खिलाड़ियों को मतलब तरफ की जा रही है? COVID-19 की वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ा क्रिकेट में, इसलिए कि लोग हमारे ग्राउंड बंद कर दिए गए थे सारे, कि कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान थे, हम खुद घरों में बैठे रहे, 6-7 महीने घर में बैठ के हमने गुजारे, प्लेयर्स भी बहुत तंग थे, अब शुक्र है कि गवर्नमेंट ने स्टेडियम्स वगैरह खोल दिए, इससे बड़ा अच्छा माहौल हो गया, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कितने माशाल्लाह 40-50 बच्चे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ग्राउंड जो आबाद होंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है हॉस्पिटल जो है ना वीरान हो जाएंगे। अच्छा आप ये बताइएगा कि यहाँ जैसे कि कराची में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, नॉर्मल खिलाड़ी जो कराची के फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेटर होते हैं, तो क्या हैदराबाद में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया आपने, कोई एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए कि वहाँ के शहरियों को हमारे नेशनल हीरो एक्शन में नजर आए? अच्छा क्या है कि हमारे पास वहाँ स्पॉन्सर तो है पर इतने स्पॉन्सर नहीं है जितने बड़े कराची में, और हमारे पास कोई फ्लड लाइट का टूर्नामेंट नहीं करा सकते, इसलिए कि हमारे पास कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है
जो कि इंटरनेशनल के प्लेयर्स यहाँ पर आके खेल सकें। तो डे में तो हम लोग काफ़ी अभी हमारे टूर्नामेंट चले हैं, हमारा बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, आगा शाहिद है, शकील कुरैशी हैं, अफसर भाई हैं, हमारे वहीद भाई हैं, शाकिर भाई हैं, ये बड़े टूर्नामेंट कराते हैं, पर T20 टूर्नामेंट कराते हैं, आल सिंध भी कराते हैं, आल पाकिस्तान भी टूर्नामेंट कराते हैं हम लोग। अच्छा अभी मतलब काफ़ी क्रिकेट शुरू हो गई, कोरोना के बाद से हमारे ग्राउंड में जगह नहीं है, आए दिन हमारे बड़े बड़े टूर्नामेंट हमारे। तो आफिस भाई ठीक है, आपके पास राइट नहीं है, और जबकि सिंध हुकूमत बड़े दावे करती है कि हम सिंध के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, खिलाड़ी पैदा कर देंगे, खिलाड़ियों को जो है वहाँ बड़ी सहूलियत फराहम की जाएगी, तो क्या उनके ये दावे धरे के धरे और कोई ग्राउंड में लाइट नहीं लगवा सकते जब कराची में लगवा रहे हैं? अगर वजीर आला साहब, देखे मैंने पहले कहा ना, वजीर आला साहब खुद क्रिकेटर आदमी है और बड़े स्मार्ट बंदे, क्रिकेट खेलता है मैंने देखा, ग्राउंड में हसमुख इंसान है, तो उनको चाहिए ये कि बड़ा सिंध का सबसे बड़ा ग्राउंड है हमारा नियाज स्टेडियम और एक तारीखी ग्राउंड है, तो मैं वजीर आला साहब से हाथ बांध के रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नियाज स्टेडियम पर तवज्जो दें, इसलिए कि म्यूनसिपल कमेटी के पास इतना बजट नहीं होता है कि जो हम कम से कम 1 अरब रुपया खर्च होगा उसके ऊपर, 1 से 1.5 अरब रुपये, तो म्यूनसिपल कमेटी जो भी कर सकती है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, जाम खान चोरो साहब हैं, जो भी खर्च कर सकते हैं वो बेचारा खर्च करें, पर इतने हाई लेवल पे नहीं कर सकते। हमारे हमने ग्राउंड बहुत अच्छा कर दिया है, विकटें हमारी ज़बरदस्त हैं, पर स्ट्रक्चर जो हमारा ख़राब है, सारे स्टेप्स टूट गए, वहाँ कोई भी मैच के लिए इंटरनेशनल मैच या बड़ा मैच कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं वजीर अला साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारा पूरा सिंध जो है ना, उनसे रिक्वेस्ट करा है कि खुदा के लिए नियाज स्टेडियम में लाइट करें, इसको अपग्रेड करें कि हमारे लोग भी T20 कम से कम अपने स्टार प्लेयरों को, दुनिया के स्टार प्लेयरों को खेलता हुआ दे सकते। अच्छा हफीज भाई, बड़े मजे की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में मेला सजा हुआ है PSL 6 का, और पाकिस्तान में यकीन तौर पर अमन अमान के हवाले से दुनिया क्रिकेट कह रही है कि बड़ा पुरअमन मुल्क है, तो आप PSL के बारे में क्या कहेंगे? देखें PSL बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया के लड़के खेल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हमारा बड़ा सेफ मुल्क है, और हम लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अभी अफ्रीका होकर गई और दूसरी टीमें गैर मुल्की टीमें आ रही हैं, तो हमने साबित कर दिया कि हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हमारे हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम आप देखेंगे यहाँ अल्लाह का करम है, अमन अमान है बहुत, और हर आदमी यहाँ महफूज है। पहले ही होता था कि गैर महफूज होते थे कि यहाँ धमाके हो रहे हैं, वहाँ धमाके हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने बड़ा कंट्रोल किया है और सारी दुनिया की टीमें आ रही है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा अमन पसंद और सेफ मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, आपके समझते PSL से कोई नया टैलेंट सामने आएगा? नहीं, देखें ना, PSL से भी आ रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें भी जूनियर्स क्रिकेटर्स को जो आप देखें ना कि चांस देते हैं, ये बहुत अच्छा है कि जूनियर्स प्लेयर भी इसमें काफ़ी खेल रहे हैं, पर क्या है कि इसी तरह के मैच हमारे अंदरूनी शहर भी होने चाहिए, जैसे हैदराबाद है, लाड़काना है, सक्कर है, मीरपुर खास है, ऐसे PSL के मैच अगर वहाँ से होंगे तो वहाँ से भी, अभी देखें वहाँ से भी जायद महमूद प्लेयर आया दादू से, इसी तरह बहुत सारे और हमारे दादू में, लाड़काना में, सक्कर में, बेअंता हमारे सिंध के अंदर टैलेंट है। मैं कहता हूँ एक पूरी टीम है ना, हम सिंध से बना सकते हैं पाकिस्तान की। क्या है कि हमारे जो इग्नोर किया जाता है हमारे जो सिंध के लड़कों के साथ, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें ज़्यादा चांस नहीं मिला है। अब PCP ने काम ऐसा किया है कि जिससे क्लब क्रिकेट सारी 2 साल से ख़त्म हो गई है, अंडर 13 जो थे वो 15 हो गए, 15 वाले 17 और 19 वाले 21 प्लेयर हो गए, तो 2 साल से क्रिकेट नहीं हो रही है, बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पे क्रिकेट। अच्छा हाफिज साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने सिंध के अंदर जो एक अंडर 19 थी, डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए गए, सिंध की भी एक टीम बनती थी, कराची की एक टीम बनती थी, इस तरीके से कराची के 2 तो सिंध की एक, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म करने से कुछ खिलाड़ियों पर नुकसान नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ नुकसान नहीं हुआ, बेचारे भीख मांगने पे आ गए हमारे खिलाड़ी, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप देखें, रीजन की टीम बनती थी तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, 1-2 लाख रुपए उनको मिलते थे, फिर पर मैच भी पर डे 10,000 मिलते थे, तो गरीब से गरीब प्लेयर भी रीजन में खेलते थे। पहले रीजन की टीम बनती थी तो हमारे 25 लड़के उससे फ़ायदा उठाते थे, अब जाहिर बात है सिंध की टीम बनती है तो हमारा एक प्लेयर सिंध का होता है, नाम सिंध की टीम होती है, एक प्लेयर सिंध का, मैनेजर भी कराची का, आपका कोच भी कराची के, सिलेक्टर भी, कप्तान भी, वाइस कप्तान भी, तो हमारे तो हैदराबाद और पूरे सिंध से तो बड़ी, हमारे साथ कराची वाले भी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने इनको भी कहा है कि भाई आप इंसाफ करें, अभी दूसरी अभी अगर सिंध की टीम बनेगी, अभी वो हमारे इंतखाबात होते हैं, अगर यहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे 12-13 डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची की तो बनेंगी, अगर सिटी तो 7 सिटी बनेगी, हमारी 12 सिटी बनेगी, इलेक्शन होगा तो फिर पता चलेगा ना, तो कराची वालों को भी हम हमेशा बड़ा भाई समझते हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट होती है, यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर बहुत अच्छे नहीं है, पर हमारे पर भी इनको ख्याल करना चाहिए कि हमारे लोगों को भी चांस दें। अभी सिंध अंडर 16 बनी तो उसमें कप्तान भी यहाँ का, वाइस कप्तान भी यहाँ वहाँ के, तो कम से कम हैदराबाद, लाड़काना, दूसरे कोई जगहों के भी कप्तान वाइस कप्तान बनाने चाहिए ना।
हमारे साथ हफीजुर रहमान साहब जो कि हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं थे और क्रिकेटर हैं और बच्चों की खिदमत कर रहे हैं एकेडमी के हवाले से, और न्याज स्टेडियम जो कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम है उसकी भी खिदमत कर रहे हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि हैदराबाद और सिंध के अंदर भी इंटरनेशनल जो है मैचेज होने चाहिए ताकि वहाँ के शायकीन क्रिकेट भी खूब इंजॉय कर सकें, और जो कि कराची के लोग हमारे भाई हैं या हमारी मदद करते हैं या हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि एक कराची और हैदराबाद एक ही है। हमारे साथ हफीजुर रहमान मौजूद थे और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, मैं कराची की आवाज़ का भी शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने तकलीफ़ की और मेरे से बातचीत की और हमारी आवाज़ को पाकिस्तान बोर्ड सिंध गवर्नमेंट तक पहुँचाया आपने, आपका शुक्र गुज़ार हूँ। मैं आपको दावा देता हूँ हैदराबाद आएँ तो हमारे मेहमान बने, क्योंकि हमारे सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो मुझे खुशी होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हफीजुर रहमान साहब जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका और फिर इनका कहना कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वर्ल्ड इलेवन में ये माजिद खान जो कप्तान थे उनके साथ भी रहे, और हैदराबाद के अंदर न्याज स्टेडियम में बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और जब इन्होंने कराची का दौरा किया और अपनी टीम फजलुर रहमान लेकर आए और यूनाइटेड क्रिकेट अकेडमी के दरमियान ये मैच TNC ग्राउंड जो बड़ा खूबसूरत और हरा भरा नज़र आ रहा है और वहाँ पर ये मैच खेला गया, और हमारे साथ जो कि यूनाइटेड क्रिकेट अकेडमी के सरबरा नुसरतुल्लाह साहब मौजूद है, और ये क्रिकेट के हवाले से बड़ी खिदमत कर रहा है। 30-35 साल से ये अकेडमी चला रहे हैं और बच्चों की इतनी खिदमत कर रहे हैं कि शायद इस दौर में किसी भी अकेडमी के बच्चों की खिदमत करना आसान नहीं है। नुसरत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुसरत भाई, आज ये बताइए कि आज जो महिला TNC ग्राउंड पर आपने हैदराबाद से टीम बनाई और पाकिस्तान के वो नामवर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हफीजुर रहमान साहब हैं, उनकी टीम, उनके वालिद के नाम से जो टीम चल रही है फजल रहमान, तो ये क्रिकेट मैच होता है, आप इस बारे में क्या कहोगे? भाई हफीज भाई का तो खैर बहुत, मैं इनको तकरीबन 1980 से जानता हूँ, और ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, पहले खुद मतलब खुद प्लेयर था उस वक्त इतनी मेहनत करते थे, आज ये एकेडमी के साथ जिस तरह से है कि हैदराबाद में इतनी क्रिकेट नहीं है, वो मैंने उनको देखा काफ़ी लड़कों को जो ये सही करें, ये इनको ये उसकी एजुकेशन भी कर रहे थे जिस तरह वो लड़के मतलब पान वगैरह, अब आज जो लड़के आए, आज लड़के बहुत ही फ़र्क है माशाल्लाह से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और जिस तरह माशाल्लाह खेल रहे हैं आपके सामने है क्रिकेट के, हमने 236 बनाए, अब ये इनकी बैटिंग है और ये चेस करने जा रहे हैं, अल्लाह करे चेस कर लें। अच्छा नुसरत भाई, ये बताइए कि हैदराबाद में एक तारीख ग्राउंड है न्याज स्टेडियम, आपने वहाँ भी देखा होगा, तो आप उस ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे? देखें जब PCB के पास था तो PCB ने इनको काफ़ी मतलब सपोर्ट की थी, मगर एक टाइम ऐसा आया कि PCB ने हाथ हटा लिया, उसके बाद ये हैदराबाद के कुछ मुखैर हजरात थे, उन्होंने PCB से ग्राउंड लेके ख़ुद टेक ओवर किया, आज न्याज स्टेडियम काफ़ी बेहतर है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह आप जाके खुद देखेंगे बहुत मतलब अच्छा हो गया ग्राउंड, पहले जो था ना ग्रास थी ना कुछ था, बिल्कुल ही मट्टी हो गई थी, आज अभी हम जब गए थे तो उस वक्त माशाल्लाह इनकी मेहनत नज़र आ रही थी कि ये यार इन्होंने मेहनत की है, और तकरीबन 11 विकेट बनी हुई उसमें, और उसमें विकेट भी पता चल रहा था कि आज बनी हुई है, क्यूरेटर जो है वो हाल में काम कर रहा था उस पर, और जबरदस्त बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नुसरत, ये बताइए कि हैदराबाद में नया टैलेंट बहुत सामने आ रहा है, जैसे शर्जील खान है और दीगर लोग, तो उस बारे में क्या कहेंगे? शर्जील खान जो है इन्हीं के क्लब का लड़का है, और शर्जील खान को जिस तरह इन्होंने बनाया है यार, इनको तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए माशाल्लाह से, जिस तरह मतलब ऐसा कोई प्लेयर नहीं था वो, मगर इन्होंने उसकी ग्रूमिंग की है, उनके साथ उसकी सपोर्ट की है, तो आज देख लें आपके सामने शर्जील खान सारी चीज़ें खेली है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि कराची में जो क्रिकेट है और हैदराबाद के क्रिकेट में कितना फ़र्क है? नहीं फ़र्क तो है जाहिर है, बस कराची में और उसमें ये समझ लें 30-70 का फ़र्क है, कराची 70 है तो वो 30 है, अब वो ये है कि अगर हम लोग आपस में मिल के खेलते रहेंगे तो बच्चे आगे सीखेंगे, और यही हमारा और हफीज भाई से ये बात हुई हुई है कि यार आपस में मैच कराओ ताकि लड़के ग्रूम हों, लड़के कुछ सीखें, जाहिर है क्रिकेट वहाँ पर हैदराबाद में ऐसा नहीं है कि वो खुदा ना करे वो ख़राब लड़के हैं या लड़के हैं, वहाँ क्रिकेट कम है, और यहाँ पे जितनी कराची में और मैं हर जोन के अंदर कोई ना कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, दो टूर्नामेंट कोई PCB से जायज़ लेके करते हैं, कोई जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो इस तरह जो है लड़के हमारे खेल खेल के प्लेयर बन जाते हैं, मगर वहाँ इतने टूर्नामेंट नहीं होते हैं। अच्छा मुझसे तो ये बताइएगा, जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, आप 40 साल से क्रिकेट को रनअप कर रहे हैं, तो दीगर अगर जो एकेडमी है हैदराबाद में भी चाहते हैं कि ऐसे कोई क्रिकेट आप वहाँ ऑर्गेनाइज करें कि वहाँ का बच्चा आपको याद करे?
देखें अभी ऐसा हुआ था कि नौमान अली हैं और दो तीन लड़के और हैं, एक आसिफ लड़का है और दो तीन और लड़के, उनको मैंने अपने, ज़ाहिर है वहाँ पे क्रिकेट नहीं तो फ़ोन आया तो उनका हफीज़ भाई ने भी कहा कि यार नुसरत भाई इनको थोड़ा ग्रूम करना तो थोड़ा आप अपने साथ रखें, तो मैं उनको ले के आया, मैंने टूर्नामेंट कराया और जिसमें नौमान अली माशाल्लाह अंडर 16 के लाइसेंस है, इसी तरह आसिफ जो है 20 के स्क्वाड में था, खेल नहीं सका वो मगर वो 20 के स्क्वाड में था, तो ग्रूमिंग तो हुई है यहाँ पे और उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, वो खुद कहते हैं यार सर बहुत हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। अच्छा नुसरत साहब ये बताइएगा, PSL हो रहा है, PSL का मेला कराची में सजा हुआ है, 21 मैच है यहाँ पर और यकीन तौर पर दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी एक्शन में भी हैं, तो आप इस PSL को किस नज़र से देख रहे हैं और अमन अमान के हवाले से आप कैसा देख रहे हैं? देखिए अमन अमान तो माशाल्लाह बेहतर है, हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने टोटल कंट्रोल किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि कोई मिसहैप अभी तक नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई मतलब वाकया नहीं है जिसमें आप कह सकें, सार सबको सिक्योरिटी दी हुई है, बाहर से जाहिर है हर एक प्लेयर जो होता है वो एम्बेसिडर होता है तो उसको कवर किया हुआ है हमारे सारे फौज ने और रेंजर्स ने कवर करके, माशाल्लाह आप देख लें सब आ रहे हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं हो रही, कोई ख़तरा नहीं है, लड़का आ रहा है परफॉर्म कर रहा है, आप जाके स्टेडियम में देखें कि वो फ्रीली खेल रहा है, वरना आदमी होता है ना कि अगर टेंशन में होता है या प्रेशर में होता है तो वहाँ वो क्रिकेट थोड़ी उसकी क्रिकेट कम होती है, मगर वो खुला खेल रहा है, इसमें आप देख लें सारे तकरीबन बाहर के लड़कों के रहने, जो भी प्लेयर बाहर से आए माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, और आप बाकी हमारे कराची के लड़के हैं या हैदराबाद के लड़के हैं या जहाँ के भी हैं वो आके मैच देख रहे हैं, चीज़ें देखें एक टीवी पे देखना और डायरेक्ट देखें बड़ा फ़र्क होता है, तो वो डायरेक्ट देख रहे हैं अपना लाइफ जो उसके फ्रंट फुट कैसा जा रहा है, बैक फुट पे कैसा आ रहा है, पुल कैसे कर रहा है या हुक कैसे कर रहा है, वो चीज़ अपनी आंखों से देख रहा है, उसके बाद देख लें आप। अच्छा नुसरत भाई ये बताइए कि हैदराबाद क्रिकेट टीम भी खेल रही है, यूनाइटेड की भी खेल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि TMC ग्राउंड है, ये कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंड में इसको शुमार किया जा रहा है, यहाँ PCB की जानिब से अंडर-19 के मैच भी हुए हैं, तो आप कोई बड़ा मेला सजाने के मूड में है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ इंशाल्लाह बताला यहाँ पे एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जो अभी हमने हमारे जमील भाई ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, इंशाल्लाह बताला मेरे ख्याल मार्च में शुरू हो जाएगा वो, और ये मेहनत जो नज़र आ रही है ना आपको, ये भाई ये जमील भाई हुए या और जो भी स्टाफ है, मगर सुपरविजन जमील भाई की है, और जिस तरह ये आपके सामने ग्राउंड देख लें कि आज PCB मजबूर हो गया कि यहाँ पे उसने मैचेस कराएं, यहाँ पे महल 20 से ज़्यादा मैचेस हुए हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, हालांकि COVID-19 का चक्कर चल रहा था, मगर आप देख लें किस तरह कुछ सलूबी से ही हमने इवेंट निपटाया, और बहरहाल हमारे जो बड़े जो हैं जमील भाई हैं, जमील भाई जैसा कहते रहते हैं हम लोग कोशिश करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा नुसरत ये बताइएगा, यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त मेला सजा रखा है, यहाँ क्या आपका नेट भी होता है, तो इसके अलावा कभी आपने सोचा कि एक सुपर लीग जो है वो क्रिकेट एकेडमी यानी कि अंडर-16 या अंडर-19 के हवाले से कोई यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी कोई प्रोग्राम दे? अभी जमील भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा एक टूर्नामेंट कराओ, तो उसमें हम और दाऊद मिलके इंशाल्लाह करेंगे, फरीद से भी बात हुई भी है, तो आप देखिएगा कुछ दिनों में वो टूर्नामेंट हम करवाने वाले हैं अंडर-16 या अंडर-19, 16 की ज़्यादा है मगर 19 भी हो सकता है, तो क्या उसमें सिंध भर की टीमें बुलाएंगे जैसे आज आपने हैदराबाद में बुलाएंगे? ऑल सिंध कराएंगे, ऑल सिंध की अकेडमीज होंगी सारी टोटल इंशाल्लाह। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये क्रिकेट का मेला सजा, अभी PSL का भी हो रहा है और जब कोई साउथ अफ्रीका की टीम आई उसको भी शिकस्त का सामना हुआ, तो हमारे कुछ प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से बेचारे बेरोजगार हो गए, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे, दोबारा बहाल होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल वो तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो है ना यार। देखिए जो अब एक सिंध की टीम है, सिंध की आबादी तकरीबन 8 करोड़ से ऊपर है, 20 का स्क्वाड होता है वो भी, और उसके बाद भी 15 रह जाते हैं, 5 को साइड में खड़ा कर देते हैं, 15 लड़के रोज़गार उनको रोज़गार मिलता है, वो बच्चे जो भी जाते हैं, PCB ने एक पैकेज तो अच्छा दिया है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कि अगर अभी अंडर-19 जैसे खेल गया तो 4-5 लाख रुपए बच्चा घर लेके आया है, तो ये तो अच्छी बात है, मगर ये है कि अगर वो डिपार्टमेंट में होंगे तो जो 2000 के करीब जो बच्चे
बेरोजगार हो गए, उनको भी लग जाएगा, किसी का चूल्हा तो जलेगा ना। अब आप देख लें आपके सामने है कि कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उबर जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे बेहतर नहीं है कि एक इज्जत से रोजगार है। इसलिए जो लड़का क्रिकेट खेल रहा होता है वो तालीम से पीछे रह जाता है। अच्छी क्रिकेट खेलने वाला तो पता चलता ना उसके बाद तालीम होती है और ना उसके बाद क्रिकेट होती है। इसलिए अब जो डिपार्टमेंट खत्म हो गए तो बेरोजगारी तो है ना। अच्छा नुसरत, ये बताइएगा कि आपने कहा कि बेरोजगारी भी हो जाती है, तो क्रिकेट के हवाले से सिंध में खुसूसन कई ग्राउंड जमा हैं मगर वो लावारिस हैं, तो क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, अगर किसी भी उन ग्राउंड पर तवज्जो नहीं दे रही तो सिंध हुकूमत को तो फर्ज बनता है ना। देखिए ये तो सूबाई मसला है कि पीसीबी ने जो दो तीन चार ग्राउंड हमें बना के दिए थे, बल्कि आठ ग्राउंड बनवा के हैंड ओवर कर दिए थे कराची क्रिकेट एसोसिएशन के पास। वो ज़ाहिर है केयर टेकर जो भी थे उस ग्राउंड के उनको दे दिया गया। वो आठ ग्राउंड तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। अभी आप स्टूडेंट भी देख लेंगे, स्टूडेंट भी बेहतर है। हालांकि स्टूडेंट में तो गधे लूट रहे थे एक ज़माने में, मगर आज मैं अभी हम काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं वहाँ पे, तो हम देख रहे हैं ग्रास व्रास बड़ा ज़बरदस्त कर दिया, शहजाद भाई हैं वहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड किया हुआ, क्रिकेट अच्छा है। सिंध के अंदर जो ग्राउंड दिया गया तो उस पर तो तवज्जो देनी चाहिए ना सिंध हुकूमत को। ये सिंध हुकूमत का आप जो भी देखे ना, अभी हफीज भाई ने बड़ा गिला शिकवा किया है कि सिंध के अंदर जो सारे चार पाँच ग्राउंड है वहाँ लाइटें नहीं है, टूर्नामेंट रमजानों में हम करा नहीं सकते, वहाँ के प्लेयरों की ख्वाहिश होती है कि नाइट मैच हो, वहाँ नाइट मैच नहीं हो रहे। ये है ना, देखे आपने सही कहा भाई, भाई मसला ये फैसिलिटीज का गेम है। अभी न्याज स्टेडियम में भी इन्होंने लाइट्स की गेम करी थी हो और अप्रूव भी हो गई थी, मगर वो पीसीबी ने से ले लिया ग्राउंड, वरना वो लाइट्स भी लग जाती न्याज स्टेडियम में। हफीज़ भाई मुझे बता रहे थे, बोला यार सब चीज़ें हो गई थी मगर पीसीबी ने ग्राउंड ले लिया, वरना वो तकरीबन 12 करोड़ या ऐसे कुछ था जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही थी और आपका रेडी हो जाता, मगर जब इनके हाथ से ग्राउंड गया तो फिर वो पीसीबी ने हम खुद लगाएंगे ना, वो लगा ना इन लोगों ने लगाया, अब ये दोबारा से इनको मिला है ग्राउंड। अभी देखें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको मिले एक दो। अगर 28 तारीख को सुना है कि एडॉक आ रही है, सुना है मैंने, कन्फर्म नहीं है, अगर एडॉक आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है हर आदमी अपना ग्राउंड। मगर कुछ ग्राउंड ऐसे हैं कि जहां बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम क्रिकेट खेलें, मगर उनकी फीसों की वजह से कुछ इलाकों में क्रिकेट चाइना कटिंग की नजर भी हो गए और वो इलाकाई क्रिकेट खत्म हो गई, तो इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन बच्चों के जहाँ जहाँ क्रिकेट नहीं हो रही उनको भी मैदान पर लाया जाए। देखें अब ये ग्राउंड है ना जमील भाई ने हमें दिया, ये और क्रिकेट के फ़रोग के लिए देना, इसका कोई हमें कोई हमने ना पैसे दिए ना कुछ दिए, माशाल्लाह से हम यहाँ खेल रहे हैं आपके सामने, आप खुद देख रहे हैं और अच्छी क्रिकेट हो रही है। इसी तरह KCCA चले जाएँ आप वहाँ चले जाएँ, अपना लांडी जिमखाना चलाइए। अब वो दरअसल बात ये होती है जब कमर्शियल वाली बात कर रहे हैं ना, तो वो जो PCB तो नहीं दे रही ना उनको तनख्वाह, जो स्टाफ है ग्राउंड का PCB तनख्वाह नहीं दे रही है उनको, तो अब जाहिर है इस ग्राउंड को अगर कमर्शियल नहीं चलाएंगे तो फीस उस बच्चे उन लोगों की तनख्वाहें कहाँ से लाएंगे, ग्राउंड को किस तरह मेंटेन करेंगे आप, ये सब चीज़ें होती है ना। तो इलाके की जो क्रिकेट टीम बनती थी तो उनको कम से कम हफ्ते में दो दिन खेलने की तो इजाज़त दी जाए ना, ताकि एक बच्चा दिलचस्पी ले मुनफी सरगर्मियों से बच जाए, ये तो इकदाम करना चाहिए। बात आपकी सही है, मगर इलाके में टीम जो पहले एक ज़माने में थे कि इलाके की एक टीम होती थी, इलाके के लड़के उसमें खेलते थे, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या था, हम लोग खेलते थे, हम लोग भाई 200-200 रुपये 300-300 रुपये चंदा करते थे, बल्ला आ गया इस तरह करके हम लोग मैचेस खेल लेते थे। अब बात यह है कि अब जो है क्रिकेट हो गया कॉस्टली, 500 रुपये की बॉल, 700 रुपये की बॉल, बल्ला जो है अगर एक ख़राब बल्ला भी लेंगे तो 5,000 का मिलता है। तो अब जो मतलब घर की सूरत हाल है, या घर से लाएंगे या क्रिकेट खिलाएंगे, अब ये है कि इलाकों के जो बड़े हैं जो माशाल्लाह खाते पीते घराने के, वो हाथ रखे हैं बच्चों पे, अगर वो सिंसियर हैं तो हाथ रखें और इंशाल्लाह बताला लड़के खेलेंगे क्यों नहीं। तो आप उनको मतलब बुरी चीज़ सोबत से बचाना चाहते हैं ना, तो उन पर बच्चों को एक फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होंगे ना। अब ये अच्छा सोता ये बताइएगा कि हालात रोज बरोज जो है बेहतर होते जा रहे हैं, माशाल्लाह मेले भी सज रहे हैं, नेशनल टीमें भी आ रही हैं और पाकिस्तान में एक बार फिर क्रिकेट की बहाली हुई है, तो अब आप क्या समझते हैं कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना भी अनकरीब है और वहाँ भी क्रिकेट होंगे, तो सुनने में आ रहा है कि पीसी भी रमजान में जो है वो NOC जारी नहीं करेगी, सुनने में आ रहा है, अभी कुछ वजाहत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, PCB ने एक
एक फॉर्मेट रखा हुआ, क्राइटेरिया रखा हुआ, उस पर जो फुलफिल उतरेगा वो खेलेगा, वो टूर्नामेंट भी होगा, सब कुछ होगा। अब पीसीबी ने यही कहना है कि भाई क्या, अगर आप टूर्नामेंट्स करा रहे हैं तो एक तो टाइमिंग का फ़र्क है, फिर जो भी उनकी वो होगी फीस होगी जो भी है, दोनों ने रखा है इजाज़त के लिए जो भी 5 लाख है या जो भी है, तो वो पेमेंट करेंगे, वो अपना दे देंगे आपको, आप उसको फॉर्मेट पे पूरे उतरें। हमारे साथ नुसरतुल्लाह साहब मौजूद हैं और ये यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के सरबराह हैं, और आज जो है TMC ग्राउंड पर फजल रहमान यानी कि हैदराबाद क्रिकेट टीम और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के दरमियान मैच चला गया। यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने चौकों छक्कों की बरसात की और फजल रहमान जो हैदराबाद से टीम आई थी, यकीन तौर पर उनकी टीम ने भी बहुत बेहतर किया। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ दीगर भी मेहमान होंगे, कुछ तकसीम इनामात भी होगी और इसके अलावा और दीगर खिलाड़ियों से भी हमारी गुफ्तगू होगी। ब्रेक में जाने से पहले हमें पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हफीजुर रहमान साहब से बातचीत हो रही थी और उनके साथ यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के सरबराह नुसरतुल्लाह खान से भी हमारी बातचीत हुई थी। उनका यही कहना था कि हैदराबाद एक कदीम शहर है और नियाज स्टेडियम के अंदर भी इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली हैट्रिक जलालुद्दीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी और हफीजुर रहमान साहब का यही कहना था कि वहाँ के नामवर खिलाड़ियों में शर्जील खान जो इस वक्त चौकों छक्कों के हवाले से बड़ा पहचाना जाता है। मेरे साथ इस वक्त हैदराबाद क्रिकेट एकेडमी यानी कि अब्दुल रहमान क्रिकेट एकेडमी कहनी चाहिए और या हैदराबाद क्रिकेट एकेडमी कहनी चाहिए, उनके कप्तान यहाँ मौजूद है, क्योंकि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी और अब्दुल रहमान क्रिकेट एकेडमी के दरमियान इस वक्त मैच खेला जा रहा है और इनसे बातचीत होगी बड़ी ज़बरदस्त। मेरे साथ उनके कप्तान जिब्रान मौजूद है, जिब्रान से मालूम करते हैं। जिब्रान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिब्रान ये बताइए कि आप कराची का दौरा किया और आज यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी और TMC ग्राउंड बड़ा खूबसूरत जो ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड है और हैदराबाद में यकीन तौर पर ऐसे ग्राउंड होंगे और आपकी ख्वाहिश भी होगी ऐसे ग्राउंड बने, तो आज आपके मैच के बारे में और हैदराबाद में जो क्रिकेट की बहाली है उसके बारे में आप क्या कहोगे? आज के मैच के बारे में तो हमें नसरुल्लाह भाई ने जो ना कराची बुलाया था, हमारी ये फजल रहमान स्पोर्ट्स अकेडमी हैदराबाद से हमारा ताल्लुक है, ठीक है ना। तो नुसरत भाई की दावत पे हम इधर मैच खेलने आए थे TMC ग्राउंड कराची के अंदर। कराची के अंदर तो अच्छे प्लेयर है, बड़ी क्रिकेट होती है, मगर हैदराबाद छोटा शहर है, मगर सिंध का सिंध में जो है कराची के बाद दूसरे नंबर पे अच्छा बड़ा शहर है ना हैदराबाद। उसके अंदर शर्जील खान, नुमान अली टेस्ट प्लेयर और बहुत अजीम गुम्मन और फैसल अथर और रिजवान फरीद ये सारे जो ना वहाँ के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये सारे ये बताएं, उन लोगों ने तो रिप्रेजेंट किया, आप लोग जो क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं फजल रहमान, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं वहाँ? अभी रिसेंटली हमारा जो है प्लेयर खेला है नुमान अली जो बैटिंग कर रहा है, वो अंडर 16 के अंदर जो है सिंध की तरफ से खेल कर आया, और मुस्तकबिल के अंदर ये हमारे अवेज़ हैं अंडर 19 प्लेयर आ रहे हैं, जोशुआ गिल हैं वो अंडर 19 प्लेयर आ रहे हैं, ये हमारे बिलाल हैं जो कि इंशाल्लाह ताला भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलेंगे, और भी बहुत सारे नए जो हमारे नौजवान लड़के हैं, शाहबुद्दीन हैं, फाइज खान विकेट कीपर हैं, फाद काजी हैं, और बहुत सारे जो यंग जो प्लेयर हैं वो हैदराबाद से। पर आप खेलो कैसा लग रहा है? ये ज़बरदस्त ग्राउंड है, न्याज स्टेडियम के हैदराबाद में न्याज स्टेडियम है और एक अफजाल ग्राउंड है जो कि ग्रीन है, ज़बरदस्त है। और उसके अलावा ये TMC ग्राउंड ज़बरदस्त है कराची में, माशाल्लाह कराची तो है ही बड़ा और एक से ग्राउंड है, तो ये भी ज़बरदस्त ग्राउंड है और कराची तो फिर कराची है, यहाँ तो बड़ी क्रिकेट होती है, मगर हैदराबाद में भी क्रिकेटर हैं और इंशाल्लाह आएंगे। और हमारी फजल रहमान स्पोर्ट्स जो कि हफीज़ भाई हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर, जो जितने प्लेयर्स की मैंने आपको नाम बताए वो सारे हफीज़ भाई के ही जो है ना कोचिंग में निकले हैं हैदराबाद से, और एक हफीज़ भाई का नाम है जो हैदराबाद और कराची के अंदर जो है प्लेयर निकाल रहे हैं हैदराबाद से, और मजीद इंशाल्लाह हमारी एकेडमी से पाकिस्तान के प्लेयर आएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ ये जिब्रान मौजूद थे कि जो कप्तान थे और ये कह रहे थे कि यकीन तौर पर हैदराबाद फजल रहमान जो क्रिकेट टीम है एकेडमी, उससे नए लड़के आएंगे पाकिस्तान की नुमाइंदे करेंगे, और मेरे साथ बिलाल भी मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी हैदराबाद से और यकीन तौर पर यह भी चौके और छक्कों की बरसात करते हुए ज़रूर एक ना एक दिन पाकिस्तान का सबसे लाली परचम इनके सीने पर होगा, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। बिलाल ये बताओ कि हैदराबाद में क्रिकेट का बड़ा जोश और खरोश
कोच है, यहाँ से शर्जील खान है, अजीम भूमन है, और यकीनी तौर पर आपकी भी ख्वाहिश हो कि अच्छी क्रिकेट खेलूँ, वालदेन का नाम रोशन करूँ और सब दलाली परचम पाकिस्तान का दुनिया भर में ले रहा हूँ। और यकीनी तौर पर जो आपके कोच हैं हफीज़ साहब, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और यकीन कहा कि वर्ल्ड इलेवन जैसे माजिद खान कप्तान थे, तो उन जैसों के साथ उन्होंने खेला, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो हफीज़ भाई का सबसे जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि हफीज़ भाई जिस तरीके से हर एक लड़के को, हर एक एथलीट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स अच्छा खेलें। लाइक वाइज हमारे पास में भी आपने देखा है, शर्जील खान हुआ, नुमान है, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अकेडमी से ही निकले हैं, और इंशाल्लाह जितने भी सारे ऑन गोइंग बॉयज़ हैं वो भी बड़े अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और इसमें ख़ास सिर्फ और सिर्फ हफीज़ भाई का ही रोल है जिसके अंदर वो मेहनत कर रहे हैं, और आगे आप इंशाल्लाह हमारी एकेडमी से बहुत सारे प्लेयर्स को इंशाल्लाह आगे निकलते हुए देखेंगे। हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं उन्हें वसाइल तो नहीं है, मगर वो अपने खेल के जरिए कराची की टीम को हरा कर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बताओगे तुम हरा के कराची की टीम को जाओगे, और यकीन तौर पर हैदराबाद में वसाइल भी कम है, मगर आप ये बताओगे PSL हो रहा है, तो उस बारे में क्या कहोगे? PSL हो रहा है पाकिस्तान में, पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है दूसरी बार मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं हैदराबाद में हो, लेकिन हैदराबाद में फ्लड लाइट्स की कमी है यहाँ स्टेडियम में, सो उसकी वजह से नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से PSL। अच्छा ये बताओ जो कराची खेलना है तो कैसा लग रहा है? कराची खेलना है बहुत अच्छा लग रहा है, चौथी बार आए हम मेरे ख्याल से, तो ये चौथा मैच है हमारा, और तीन बार तो हम जीत चुके हैं, ये चौथा मैच है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें भी जीते। अच्छा हफीज़ भाई कैसे हैं? आप लोगों को डांटते हैं एकेडमी के दौरान, या आप लोगों को बहुत सख्ती करते हैं, तो जिसकी वजह से शायद लड़का नर्वस होता, तो हफीज़ भाई खुद सख्ती करते हैं? नहीं, हफीज़ भाई बहुत पुराने कोच हैं और सबसे बेस्ट कोच हैं हैदराबाद में, तो वो जो हैं लड़कों को ग्रूम करते रहते हैं। हम अभी 3 महीने में हमारी अकेडमी को उन्होंने हमें बहुत ग्रूम किया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मैचेस जीत रहे हैं कराची में आकर भी। यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, उनसे आपका मैच है फजल रहमान को, तो आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, टूर होते हैं, दिल खुश होता है हमारा। हाँ। जी बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, तो आप ये बताएं कि हफीज़ भाई आपको सख्ती करते हैं? जी करते हैं, सही है, बहुत सख्ती करते हैं कि ताकि अच्छी मेहनत करे बच्चा, आगे जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, इसके लिए वो बहुत हमारे लिए सख्ती करते हैं, जो चीज़ हम गलत करते हैं वो सही करवाते हैं, और जो सही करते हैं उसको और बेटर करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी टीम तो अभी तक हार रही है, तो क्या जीत सकती है? इंशाल्लाह जीतेगी। जी भाई हमारे साथ हैदराबाद के खिलाड़ी थे, उनका यही कहना था कि हमारी टीम हर हाल में यहाँ से जीत के जाएगी, और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों के हम छक्के छुड़ा देंगे। रेहान ये बताइए कि रेहान जो है कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में आप खेल रहे हैं, आज जो मैच चल रहा है इसके बारे में क्या कहूँगी? जी बिल्कुल, आज का जो मैच है जैसा भी हो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो, देखने में मज़ा आए, खेलने में मज़ा आए, एंड में फाइट मिले दोनों टीमों की तरफ से, और इंशाल्लाह विनर वो जो अच्छा खेलेगा वही होगा। अच्छा ये बताओ कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में आप तरबियत हासिल करो, कैसा लग रहा है? यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में आप खेल रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे में लग रहा है, यहाँ पे दोनों कोचिंग में सपोर्ट करते हैं, नुसरत भाई सपोर्ट करते हैं, शकील भाई सपोर्ट करते हैं, दोनों तरफ से बहुत दोनों लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते रहते हैं और चांसेस देते रहते हैं। अच्छा आप ये बताओ बॉलर हो या बैट्समैन हो? बैट्समैन। तो कितनी बैटिंग में स्कोर किया अभी तक? जी अभी तक तो बैटिंग मिली है, लेकिन उन पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए चांसेस पे अपने, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आगे बैटिंग अच्छी करूँ। हमारे साथ इस वक्त शकील साहब मौजूद हैं, और ये इस एकेडमी के अंदर यानी कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों का ख्याल करते हैं, और यकीनी तौर पर नुसरत उल्लाह के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि कराची में टैलेंट सामने आए, और कराची के अलावा जो इन्होंने हैदराबाद की जो टीम बनाई है उन खिलाड़ियों का भी बड़ा साथ देंगे। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई ये बताइए कि बड़ा हैदराबाद की टीम को बुला के मेला सजाया है, तो इस बारे में क्या कहोगे? बस हैदराबाद से टीम को हमने बुलाया है, उनके हमने मेहमान नवाजी हमने की उनकी, हम चाह रहे हैं अच्छी क्रिकेट खेलें वो लोग, तो कोशिश किए, आगे आप बताएं कैसी कोशिश की उनसे पूछिएगा। अच्छा आपने जबरदस्त खाना बनाया था, तो उनको खाना खिला के वो आपके प्लेयरों को चौके छक्के मार रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? आउट किए, अभी आउट किए, थोड़ा मेहमान को ख्याल भी करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि नुसरत भाई जो क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, तो उस बारे में आप बड़ी मेहनत करते हो, उनके बारे में क्या? नुसरत भाई ने जिस तरह क्रिकेट को खिदमत की है ना, शायद इस कराची में ऐसे कोई लोग हैं, चंद लोगों में नुसरत भाई है जो अपने पास से हर कुछ मुहैया करते हैं बच्चों को, पैसा भी, मेहनत भी, वक्त भी, सब कुछ देते हैं नुसरत भाई। यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी की बात की जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे?
यूनाइटेड क्रिकेट अकेडमी बेस्ट अकेडमी है मेरे लिए, सबके लिए। और सर नुसरत हमारे बहुत अच्छे हैं, सर शकील हमारे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं हम लोगों के साथ, और ट्रेनिंग है हमारी यहाँ पे, और बहुत सारे मैचेस होते हैं हमारे यहाँ पे, सीजन होते हैं प्रैक्टिस के, तो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और ये लोग भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक विकेट कीपर थे सरफराज की तरह, बड़ी मेहनत करते थे, और मेरे साथ एक और भी प्लेयर है यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, हमारा यूनाइटेड एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है, और इसके जो स्पॉन्सर है, जो कोच है सर नुसरत, माशाल्लाह मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोच नहीं देखा जो इतना मेहनत करते हैं, अपना टाइम यहाँ पे एकेडमी के लिए देते हैं, और उसके साथ जो साथ देते हैं शकील भाई, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे है, हमें चांस दे देते हैं, हमें मौका दे देते मैच के लिए, और वो कहते हैं कि आप जितना मेहनत करोगे इंशाल्लाह खिलाने वाला है तो अल्लाह है और ज़रिया ये बनेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ एक यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी थे, और इनका भी कहना था कि ज़बरदस्त क्रिकेट एकेडमी है, नुसरत भाई लड़कों के साथ बड़ा ताउन करते हैं, और आज हैदराबाद और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के दरमियान एक नुमाइशी मैच यहाँ खेला गया, और ज़बरदस्त जो हफीज़ुर रहमान साहब जो हैदराबाद से आए हैं और वो बेहतरीन पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनका यही कहना था कि हैदराबाद के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी बंद की जाए और वहाँ पर बेहतरीन ग्राउंड का क़्याम किया जाए, ताकि हैदराबाद में मज़ीद जो प्लेयर सामने आ रहे हैं वो कराची की तरह हैदराबाद में भी ऐसे प्लेयर्स आएँ और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में लहराएंगे। इस वक्त K21 स्पेशल प्रोग्राम से आपके मेज़बान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, आइंदा नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।